चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत टास्क फोर्स संधू बन गई हैं नई मिस यूनिवर्स जी हाँ एंड वी आर गोइंग टू स्टे इन इंडिया द कंट्री हैज एडमिनिस्टर्ड इट्स बिलियंथ कोविड-19 वैक्सीन हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी त्यागी एट ई पेडागॉग एंड यू नो कि अब न्यू ईयर आ रहा है वो है 2022 लेकिन हम 2021 के कुछ अच्छे इवेंट्स और कुछ बुरे इवेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो हम वीडियो की शुरुआत अच्छे इवेंट से करते हैं तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ हमें पता है एक 21 साल की लड़की मिस यूनिवर्स बन गई वो कोई और नहीं हमारी तरह ही एक कॉमन गर्ल थी वो कौन है मिस हरनास संधू वो मिस यूनिवर्स बनी ऑन 13th of December इसराइल में उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन अपनी मम्मी से ली उनकी जो मदर थी एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती थी जो मेल एम्पावरमेंट दिखाते थे वहाँ पे मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी लेकिन उन्होंने सबसे लड़कर डॉक्टर बनने का सोचा था सबकी हेल्प करने का सोचा था एंड फाइनली वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में निकली हरनास उन्हीं को देख के ये चाहती थी कि वो भी कुछ अच्छा करेंगी एंड द रिजल्ट इज फ्रंट ऑफ यू वो बनी मिस यूनिवर्स दूसरा एक अचीवमेंट था 23-year-old बॉय कौन थे वो थे नीरज चोपड़ा आज तक जो कभी नहीं हुआ था एक ऐसा गोल्ड मेडल हमें एथलेटिक्स में कभी नहीं मिला था एथलीट एक ऐसा कोई नहीं निकल के आया था जो हमें गोल्ड मेडल दिला पाए तो वो थे 23-year-old बॉय 7th of August को उन्होंने हमें एक जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया था फिर उसके बाद उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर की लिस्ट में भी डाला गया था एंड अब वो नायब सूबेदार की पोस्ट पर भी हैं इन द इंडियन आर्मी और एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं भूल सकते वो क्या था कोविड-19 वैक्सीनेशंस हमारे रिसर्चर्स ने कड़ी मेहनत करके हमें कोविड से बचाने के लिए बहुत से तरीके की वैक्सीन्स बनाई थी और 26 नवंबर 2021 में जो EUL लिस्ट आई थी EUL क्या है एमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर इसके अंदर 4 या 5 तरीके की उन्होंने ऐसी वैक्सीन्स रखी हुई हैं कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो तो वो शॉप पर जाके परचेज कर सकता है तो कौन कौन सी वैक्सीन है वो जेनसन है कोविशील्ड है कोवैक्सिन है ऐसे ही एक दो नाम और भी आपको मिलेंगे जो कि रिसर्चर्स के थ्रू EUL की लिस्ट में शामिल हैं अब एक बहुत ही इनोवेटिव से चीज़ आई थी कि मार्च 2021 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक ऐसा कमाल करके दिखाया था कि वायरलेसली ब्रेन सिग्नल्स को कंप्यूटर के साथ उन्होंने ट्रांसमिट किया था वायरलेसली है ना अजीब और बहुत अच्छा ये किन लोगों के लिए साबित हो सकता है जो पैरालाइज्ड पीपल हैं तो हम वायरलेसली उन लोगों के लिए एक हेल्प की तरह निकल के आ सकती है ये रिसर्च अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और एक और चीज़ थी वी नो मार्स के ऊपर ऑक्सीजन बहुत ही कम है 96% वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक एक्सपेरिमेंट था उसे मॉक्सी बोलते हैं मार्स ऑक्सीजन इन सीटो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट ये क्या करता है मतलब इसने अपना जो रोल दिखाया है अप्रैल 2021 में वो रोल क्या था इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करके जो कार्बन मोनोक्साइड रिलीज हुई वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह उसे बाहर फेंक दिया तो हमें क्या मिला हमने ये देखा कि 5.62 ग्राम्स की हमें ऑक्सीजन मिल पाई कहाँ पर मार्स पर और ये किसने कर दिखाया नासा ने तो ये हमारे गुड इवेंट्स थे जो कि 2021 में बहुत ही अच्छे इवेंट्स के रूप में निकल के आए थे तो अब हम बात करेंगे जो 2021 में वर्स्ट इवेंट्स हुए थे एंड वर्स्ट का नाम सुनते ही हम सबके चेहरे पे दुख अपने आप ही आ जाता है तो सबसे पहला जो रीसेंट हुआ है 8th of December को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो हेलीकॉप्टर था MI-17V5 उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो जनरल थे बिपिन रावत उनकी डेथ हो गई थी उनके साथ ही उनकी वाइफ भी थी और 11 को वर्कर्स भी थे जिनका क्रैश होने से डेथ हो गई थी अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से और इवेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैडेंड न्यूज़ के रूप में आए थे 2021 में तो एक अपने आप में सैडेंड है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान को अपने आप को तालिबान को देना पड़ा था एक तरीके से तालिबान ने उन पर कॉन्कर कर लिया था जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफ़गानिस्तान से ले आएँ लेकिन स्टिल ज़्यादा लोग नहीं भी आ पाए बहुत लोग मरे भी बच्चे भी बुज़ुर्ग भी महिलाएँ भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई और एक मेजर जो चीज उनसे गलत हुई वो क्या थी कि वो अपने ऐसे स्पेशल वेपन्स थे वो वहां से नहीं लाए थे एंड
हमें पता नहीं है कि तालिबान वाले कब उन वेपन्स को हम पे ही वार करने के लिए इस्तेमाल कर लें। दूसरी चीज़ क्या थी, एक टेक्सस क्राइसिस था। टेक्सस एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें क्या हुआ था, विंटर स्टॉर्म, 3 बैक टू बैक विंटर स्टॉर्म आए थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से फेल हो गई थी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी आई ही नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की डेथ भी हुई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड हीट। ठंड भी थी, विंटर स्टॉर्म थे एंड हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स ही नहीं थे, ना खाने को था ना पीने को था, तो इसी वजह से लोगों की डेथ हुई। अब हम जिनके बारे में बात करेंगे, उन्होंने की वजह से ही चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। चिपको मूवमेंट हम सब जानते हैं, हमने अपनी SST की बुक्स में पढ़ा था, प्लांट को बचाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था जिसमें कि लोगों ने जो स्टेम एरिया होता है प्लांट का उसे पकड़ के खड़े हो गए थे कि इन्हें मत काटो। वो किसने शुरू किया था, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है, लेकिन अफसोस 8th of May को उन्हें एडमिट किया गया था एम्स ऋषिकेश में और COVID-19 से वो मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे एंड 21st of May को उन्होंने लास्ट सांस अपनी ऋषिकेश एम्स में ली थी। तो कोविड की वजह से हमने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण एनवायरमेंटलिस्ट खो दिया था। ऑल्सो आपने सुना होगा सीरिया के बारे में, वो कब से फेस करते आ रहे हैं प्रॉब्लम्स, अटैक्स और ना जाने क्या क्या। तो 2021 में उन्हें पूरे 10 साल हो गए हैं इसी तरीके से अपने अटैक्स को झेलने के। वहाँ ना तो कोई बच्चा खुश है, ना उनके पास खाने के लिए, ना उनको ये पता कि वो इस क्षण जीवित हैं और अगले क्षण जीवित नहीं हैं। उनके पास ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ चुकी हैं जिसकी वजह से सब लोग सीरिया में डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आज हम माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे या फिर हम बच पाएंगे भी या नहीं। तो ये जो सारी मैंने आपको इवेंट्स बताए, ये हमारी इंडिया के लिए भी एंड आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सैडेंट इवेंट्स थे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। इफ़ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।